ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे भी करके मुझे तेज दौड़ना है, कैसे भी करके मुझे मैच जीतना है, या फिर कैसे भी करके मुझे परीक्षा पास करनी है। तो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है कैसे भी करके, यानी किसी भी तरह से। तो अंग्रेजी में कहेंगे बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। तो चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या फिर हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय एनी मीन्स। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। आई वी यू दे, राम एंड श्याम बहुवचन यानी प्लूरल के साथ आपको हैव टू लगाना है। ही सी इट, राम सीता यानी सिंगुलर एक वचन के साथ आपको हैज टू लगाना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके समझेंगे। कैसे भी करके मुझे तैरना है, आई हैव टू स्विम बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके मुझे खाना है, आई हैव टू ईट बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके उसे अंग्रेजी सीखनी है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके हमें मैच जीतना है, वी हैव टू विन द मैच बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके राम को चढ़ना है, राम हैज टू क्लाइम बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके तुम्हें मछली खाना है, यू हैव टू ईट फिश बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके उन्हें नाचना है, दे हैव टू डांस बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके इसे काटना है, इट हैज टू कट बाय एनी मीन्स। कैसे भी करके सीता को आम खाना है, सीता हैज टू ईट मैंगो बाय एनी मीन्स। तो चलिए अब दोस्तों आपके लिए क्विज है। कैसे भी करके तुम्हें चैनल को लाइक करना है, कैसे भी करके राम और श्याम को जाना है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।